ब्यूटीफुल ब्राइड्स ऑफ इंडिया सीजन 5 और क्लिक विद स्टार्स सीजन 1 2024 का आयोजन एसआरसी एंटरटेनमेंट्स के द्वारा रेडिसन ब्लू होटल दिल्ली द्वारका सेक्टर 13 में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस इवेंट में जानी मानी टीवी एक्ट्रेस निशि सक्सेना अनुपमा फेम सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पर शामिल हुई। निशि सक्सेना ने शो में आए हुए सभी लोगों के साथ फोटो क्लिक करवाते हुए उनको फ्रेम देकर सम्मानित किया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मोनिका पटेल और वीआईपी गेस्ट के तौर पर ज्योति कोटापाली ने शिरकत की, तो इन्हीं के साथ साथ जूरी मेंबर के तौर पर उपस्थित हुई अमन सहगल, तनुश्री और मिस महक जैद भी उपस्थित हुई। आज मैं दिल्ली आई हूँ कम से कम एक साल बाद, और सिल्की चाबरा जी ने मुझे दिल्ली आने का मौका दिया है, इस इवेंट में शामिल होने का मौका दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है इतने टाइम बाद ही आने के लिए। गर्मी है बट मुझे गर्मी भी अच्छी लग रही है, मैं दिल्ली को इतना मिस करती हूँ। और इवेंट में इतने सारे लोग आए, इतना प्यार दे रहे हैं, अभी तक तो मैं एंटर भी नहीं हुई हूँ, फिर भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, अंदर जाके और मज़ा आएगा। सिल्की मैम तो बहुत स्वीट है, मतलब जैसे वो मुझे एकदम फैमिली की तरह ट्रीट कर रही हैं। ऑफकोर्स हमने एक बहुत अच्छा बॉन्ड बना लिया है बहुत कम टाइम में, और बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सबसे मिलने के लिए। और देखते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सबसे मिलने के लिए, और सब लोग इतने खुश हैं, इतना प्यार देते हैं, सबसे मिलना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आई होप उन्हें भी मुझसे मिलना अच्छा लगे। मैं उन लोगों को बहुत प्यार देना चाहती हूँ, लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, मेरे कैरेक्टर को इतना प्यार दिया है, मतलब मैं आई थी और अब 2 साल होने वाले मुझे अनुपमा में, सब ऑडियंस के प्यार की वजह से है और मैं बहुत खुश, बहुत ग्रेटफुल। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि अनुपमा का नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा बुलाऊं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं काफ़ी सारे अनुपमा के कैरेक्टर्स को बुला चुकी हूँ, उनमें से मुझे निशि बहुत ही क्यूट लगी, बहुत ही स्वीट है, एंड शी इज़ अ वेरी नाइस ह्यूमन बींग, इंसान बहुत अच्छी हैं। पूरे शो को लेकर यही कहना चाहूँगी कि ब्राइड्स ऑफ इंडिया बहुत अमेजिंग गया है, पीपल आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। आप क्या है कि जब निशि के बारे में पता चला तो रिजल्ट भी भूल गए और निशि का वेट कर रहे हैं। टीम इज़ वंडरफुल, माय टीम इज़ एक्सलेंट, आई लव ऑल ऑफ देम। मेरी टीम की जितने भी लड़कियां हैं या लड़के हैं सब एक्सलेंट है, उनके बीच में कुछ भी नहीं हूँ, बिकॉज टुगेदर एवरी वन अचीव मोर। मेरा नाम महक है, मैं मुरादाबाद से आई हूँ, मैं वैसे बिलोंग करती हूँ प्लानी से, यूपी साइड से आई हूँ। मैं सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैंने वेब सीरीज टी सीरीज में मैंने वर्क करा है, मैंने फर्स्ट टाइम एसआर एंटरटेनमेंट के साथ मैंने वर्क करा है, एंड आई लव दिस वर्क। मुझे इनका काम, इनका मैनेजमेंट, सारी चीज़ें मुझे इतनी पसंद आई है कि अभी तक जितने इवेंट करें उस इवेंट में मुझे इतना मज़ा नहीं आया जितना यहाँ पर। यहाँ के ऑर्गेनाइज़र इतने अच्छे हैं कि इतनी पोलाइटली बात करते हैं, और ये नहीं सोचते कि वो ऑर्गेनाइज़र है, वो इतने प्यार से ट्रीट करते हैं ना कि लगता ही नहीं कि ऑर्गेनाइज़र है। तो मुझे इनके साथ अच्छा लगा, मैं चाहूँगी आगे भी मैं इनके साथ कंटिन्यू वर्क करूँ। और बाकी तो थैंक यू एसआर कंपनी और एज अ जूरी, इन्होंने मुझे इनवाइट करा, मुझे बहुत पसंद आया कि इन्होंने मुझे एज अ जूरी इनवाइट करा और मुझे उस लायक समझा कि इन्होंने एज अ जूरी मुझे रखा अपनी शो में। नहीं नहीं, मैं दिल्ली में और भी काफ़ी इवेंट अटेंड कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे ये इवेंट इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसके ऑर्गेनाइजर जो होते हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मुझे ये इवेंट बहुत पसंद है, मैनेजमेंट अच्छा। Hi, so this is Tanushree from Blush Makeovers by Tanushree, and I'm here all the way from Noida, and मैं एक ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट ही नहीं, ब्राइडल कंसल्टेंट भी हूँ। सो अलॉन्ग विद योर मेकअप आई डील विद योर एंटायर कंसल्टिंग, सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर आउटफिट एंड ज्वेलरी आई हेल्प यू डिसाइड एवरीथिंग, एंड हैंस वी क्रिएट द लुक दैट यू एक्चुअली वॉन्ट ऑन योर डी डे। बहुत अच्छा लगा जज करके शो, बहुत ही डिफरेंट टैलेंट हमने देखे हैं, वैरायटी ऑफ ब्राइड्स भी देखी है फ्रॉम अक्रॉस ऑल रीजन्स एंड कल्चर्स, एंड इस इंडस्ट्री का स्कोप बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड एंड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग डे बाय डे, सो या इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति कोतापल्ली है और मैं विशाखापट्टनम मध्य प्रदेश से हूँ। लास्ट ईयर 2023 में मैं ग्लोबल आंध्र प्रदेश इंडिया इंटरनेशनल की विनर हुई थी, एंड उसके बाद मैं मिसेस इंडिया की रनर अप हुई, और देन मेरा जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुआ है। एंड दिस इज़ अबाउट मी, मैं एक बैंक की एम्प्लॉई हूँ, US बैंक की एम्प्लॉई हूँ, इंटरनेशनल बैंक। आज के इवेंट में मुझे वीआईपी गेस्ट के जैसा बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था, और यहाँ पे ये जो हो रहा है वो ब्राइड्स ऑफ इंडिया के लिए हो रहा है। यहाँ पे ब्राइड्स जो होती हैं वो किस एंगल से अपना परफॉर्मेंस प्रेजेंट करती हैं और किस एंगल से वो लोग यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से ब्राइड्स किस स्टेज का
कौन सा ब्राइट होता है वो सब यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया था. हाई, माई नेम इज़ भूमिका एंड आई एम फ्रॉम करनाल. इवेंट बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा निशा सक्सेना मैम से मिलके, सबसे मिलके, बहुत सिल्की मैम से मिलके. बहुत अच्छा इवेंट था, बहुत बेस्ट था. एक्चुअली एक पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया तभी आज मैं मिस करनाल बन पाई. एंड थैंक यू सो मच फॉर माई पेरेंट. मोनिका पटेल मेरा नाम है और मैं केरला से आई हूँ. आई एम फ्रॉम राजस्थान और मिसेज ब्लिसफुल इंडिया ब्यूटी पेजेंट मैंने विन किया था 2019 में मुंबई से. एंड उसके बाद में मैं ब्यूटी पेजेंट्स में एज ए ज्यूरी, एज ए चीफ गेस्ट रिप्रेजेंट करती हूँ खुद को मुंबई और दिल्ली में. SRC एंटरटेनमेंट में आज से नहीं आ रही हूँ, जब से सिल्की ने इवेंट स्टार्ट किया तब से आ रही हूँ. सिल्की मेरी फैमिली टच हो गई है अभी और एज अ उसको फैमिली समझ के आती हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है, सिल्की बहुत अच्छे से ट्रीट करती है और सिल्की के इवेंट सारे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और फैमिलियर भी. इसी सक्सेना से मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वीट है और बहुत ही ज़्यादा मतलब वो सेलिब्रिटी वाला एक एटीट्यूड वो सब नहीं है, बहुत अच्छी से है, एकदम फैमिलियर, अच्छे से बात कर रही है, अच्छे से हंस बोल रही है सबसे. माय नेम इज़ अमन सैगल, आई एम ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट लास्ट फ्रॉम 3 ईयर्स. सो मैं यहाँ पे ब्राइडल कंपटीशन जूरी करने आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके सिल्की जी से मिलके और SRC जो इंटरटेनमेंट इन्होंने जो कंपटीशन किया है यहाँ पे तो बहुत ही फ्रीलांसर्स के लिए, सैलून्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है प्लेटफॉर्म है जो यहाँ आके अपना परफॉर्म करे, अपने मेकअप्स को, अपने जो अपने टैलेंट हैं उसको दिखा सके. तो आज मैं यहाँ इसका पार्ट बनी हूँ, उसके लिए थैंक यू सो मच. Hi, I'm Ankit. I'm associated with this SSRC since so long and I'm very much great to work with them as being a stylist. So I'm very much happy to work with them and I'm especially thanks to Silky ma'am and Rachit ji who's giving me always the platform to do style for our all-time celebrity who's came from Mumbai and all. Thank you. Hi guys, I'm Naseem from Wondercut Salon, Krishna Nagar. So आज हमारा यहाँ पे सेशन था मीट एंड ग्रीट और हम बहुत लोगों से मिले जुले और हमने अपना एक सेशन दिया जिस जो सिग्नेचर मेकअप हमने किया है काफ़ी लोगों को पसंद आया, जितने भी ऑडियंस आए थे सबको पसंद आया. और हमारा ये सेशन हम चाहते हैं कि और अच्छे से लोग इसको अप्रिशिएट करें. सो आपका भी बहुत थैंक्स है और सिल्की मैम ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है तो सिल्की मैम का भी बहुत बड़ा थैंक है. और बाकी तो आप मेकअप देखोगे तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा, हमने बहुत अच्छे दिल से और बड़ी शिद्दत से मेकअप किया है और सबके सवालों का जवाब भी बड़े अच्छे से दिया है. तो थैंक यू सो मच एवरीवन. हेलो, गौतम मेकओवर, मेरा सेकंड टाइम है मैम के साथ. मेरा फर्स्ट टाइम भी बहुत अच्छा रहा और सेकंड टाइम भी बहुत अच्छा था. मैं सेलिब्रिटी हेयर स्टाइल के लिए आया था, मैम से मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैम का नेचर बहुत स्वीट है. माई नेम इज़ अनु अरोड़ा फ्रॉम मुरादनगर, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट. बहुत अच्छा था ये जो और जूनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं जो और उनको प्लेटफॉर्म मिला है आगे अपने आप को प्रोग्रेस करने के लिए. बहुत अच्छा इस तरीके से इवेंट करते रहें, लोगों को इनक्रेज भी मिलता है और आगे इनका ग्रो अप भी होता है, इनका स्टेटस वगैरह सब इंक्रीज होता है. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी मेकअप आर्टिस्ट विनर बनी और उन्होंने बहुत अच्छा मेकअप किया था. गुड जॉब. बढ़िया है. देखो सेलिब्रिटी से मिलने के बाद तो एक अलग सी खुशी होती है जो हम सबको अच्छी लगती है. टीवी पे देखना और एक रियल में देखना दोनों में डिस्टेंस तो है ही. मेरा नाम दीपाली है और मैं फरीदाबाद से आई हूँ. BZ मेकअप से हैं हम लोग. आज का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, इतने सारे मेकअप आर्टिस्ट सबका काम बहुत ही अच्छा था, उसमें मेरे काम को अप्रिशिएट किया गया. मतलब ग्रेट एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच. ये बहुत प्यारी है, इनके फीचर्स और ये नेचुरली बहुत सुंदर हैं. सो बहुत प्यारी है. यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा एंड थैंक्स टू यू बिकॉज इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया एंड